तो गूज बम्स आ रहे थे यार, इतनी प्यारी जैसे स्टार्ट की दशा में अपनी लाइफ की कहानी। क्योंकि भाई आप लोगों ने तबाही मचा दी थी कि इंट्रो पे करो, तो हम वैसे करते नहीं है इंट्रो पे, आज आप लोगों की वजह से करेंगे। तो रिएक्ट करने वाले हैं करण ओजला की एल्बम के इंट्रो पर, तो स्टार्ट करते हैं मेरा डाइवर्स की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। की दसा मैं अपने बारे, जिंदगी ने की सिखाया ते की दिखाया। तीन कमरे एक रसोई, बेबे दा उही सूट ते बापू दी उही लोई, अज भी उहदी बुक्कल वर्गा निग दिंदी है ताही हिक नाल लाके रख। ते दस्या सी उहने भी बाली थां ना लाई ताही इक नाल लाके रखदा। ते आ जिंदगी दा मैनू पता सी भी रब तो उधारी है, ते छोटे हुंदे पंडित कह गया सी भी शनि मुंडे ते भारी है। ਲੇਲਾਂ ਤੇ ਗੰਡੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਲੱਗੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਪਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਭੀੜ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਚੁਣਾ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਜੱਟ ਤਾਂ ਬਸ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਕ ਆ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸੁਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਗ। ਟੇਪ ਪਹਿਲੀ ਆ ਬਾਬਿਓ ਪਰ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਖਲਾਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਯਾਰ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਟੇਬਲ ਪੇ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਪੜੇ ਹੋਏ, ਜਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਵੱਜ ਰਹਾ ਥਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਟੇਬਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਸਕੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਥੀ, ਉਹ ਗੁਲੇਲਾ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੰਦੂਗਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਔਰ ਅਬੇ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਬੇ ਯਾਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੇ ਬਿਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੀਨ ਘਰ ਤੀਨ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਆਏ ਹੈ, ਦਿਲ ਕੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨ। तो ये उनके लिए ही था जो इनको बोलते रहते हैं कि रुक गया भाई, ये हार गया, ये वो हो गया, वो हो गया, हो गया। उनके लिए जवाब था कि भाई मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं रुकने वाला नहीं है, ये चलता ही रहेगा। और जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है ना, सिद्धू उपाधि और करण ओजला की यार, वो भी क्या नाम है, अपना नाम कमा रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे, दोनों मेहनत कर रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्सी जो स्टार्ट करवाता है ना वो हेटर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है, सही है। ये आपस में मतलब दोनों सिंगर्स आपस में सही होंगे, सही होंगे। सलाम दुआ अच्छी खासी होगी इनके साथ, हाँ भाई करण कैसा है, हाँ भाई सिद्धू कैसा है। लेकिन ये बीच में जो लोग आए, करण ओजला ने सिद्धू पाजी को ये बोल दिया, ये हो गया, तो उससे फिर उनको पता ही नहीं होगा कि ये भी चल रहा है, हमारी लड़ाई भी चल रही है, लेकिन ये आपस में कुछ कर रहे हैं। पर शायद हो भी सकता है कि हम गलत हो, लेकिन होनी नहीं चाहिए, अगर दोनों डुएट करें तो बहुत। हाँ भाई तबाही मचा देंगे बिल्कुल। तो करण ओजला का भाई एल्बम का इंट्रो तो क्या बात है, अभी सॉन्ग तो पता नहीं क्या होंगे। और जिस तरीके से स्टोरी बता रहे थे ना यार कसम से मजा आ गया। तो गूज बम्स आ रहे थे यार, इतनी प्यारी जैसे स्टार्ट की दशा में अपनी लाइफ की कहानी, उसके बाद तबाही मचा दी बिल्कुल भाई। तो गाइस हमें तो ये इंट्रो वीडियो बहुत अच्छी लगी भाई, अभी तो सॉन्ग्स का इंतजार है, तबाही होंगे सॉन्ग्स बिल्कुल भाई। अभी वेट करेंगे कि जल्दी आए और तबाही मचाए भाई, क्योंकि आप लोगों से भी वेट नहीं होता हमारे रिएक्शन का, और हमसे भी नहीं होता कि भाई हम करण ओजला के सॉन्ग बिना सुने रहे। तो इंट्रो में बहुत अच्छा लगा। तो गाइस हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।